गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस यार आज हम लोग 3 से 4 महीने बाद दोबारा से खेलने जा रहे हैं फोर्जा होराइजन 4। अब लास्ट वाले एपिसोड में मैंने चलाई थी बुगाटी चिरोन, क्योंकि यार हम लोग एक छोटा सा ऑफर मिला था एक मूवी वालों की तरफ से, हम लोग एक स्टंट करना था बुगाटी चिरोन से, जिसके बदले में उन्होंने मेरे को थोड़ा सा पैसा दिया एंड थोड़ी सी फेम भी आई। और इसलिए आज हम लोग एक नई सुपरकार खरीदने वाले हैं, सबसे फास्टेस्ट कार्स में से एक है वो कार जिसका नाम है निसान GTR। ऑब्वियस सी बात है यार, सबको पता है वो कार सबसे ज़्यादा फास्ट है, और आज की जो रेस है उसमें जितने भी रेसर्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा खतरनाक कार लाने वाले, अपनी सबसे फास्टेस्ट कार लाने वाले हैं ताकि वो उस रेस को जीत सकें एंड नेक्स्ट रेस में जा पाएँ। तो इसलिए मेरे को आज वो कार खरीदनी है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लोग चलते हैं मेन इवेंट में। तो जल्दी से मैं अपनी ऑडी को भगा के वहाँ पर पहुँचता हूँ, और अपनी एना जो है ये हम लोगों को गाइड करने वाली है। मेरे को एक्चुअली एना ने ही बताया कि GTR जो है ना वो बहुत ज़्यादा ही अच्छी कार है यार, हम लोग एक GTR ले सकते हैं, उससे हम लोग एक रेस तो पक्का जीतने वाले हैं। तो इसलिए मैंने एना की बात को विश्वास करके सोच लिया कि चलो GTR लेते हैं। वैसे मेरा ड्रीम कार जो है वो है McLaren। या बाकी यार मेरी ऑडी की भी स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी है, मैं चाहता तो मैं इससे भी रेस लगा सकता था, बट मैंने जब सुना कि जितने भी रेसर्स हैं वो सबसे डेंजरस कार लाने वाले हैं अपनी, तो मैंने सोचा यार क्यों ना मैं भी एक डेंजर कार खरीदूँ जिसकी स्पीड नेक्स्ट लेवल हो यार। तो इसलिए ऑब्वियस सी बात है मेरा प्लान फरारी खरीदने का था, लेकिन फरारी के पैसे ना आए मेरे पास। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग अभी पहुंचने वाले हैं इवेंट में। ओ वेट, मेरी गाड़ी थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट हो गई। ऑलराइट, हम लोग पहुंच चुके हैं मेन इवेंट में। यहाँ पे हम लोग खरीदने वाले हैं एक सुपर कार, अपनी फेवरेट निसान GTR। भाई यहाँ पे आज भी बहुत ज़्यादा क्राउड आई हुई है, एक काम करते हैं ना इनको थोड़ी सी वो ये नहीं दिखाना था मुझे, इनको एक सर्कल बना के दिखा देते हैं गाइस, ताकि ये लोगों को पता चले कि मैं भी बहुत अच्छा रेसर हूँ। क्राउड को ये चीज़ बहुत पसंद आई है। लेट्स गो। ओके, हम लोग कार कहाँ से खरीद सकते थे? ओके ये रही, यहाँ से हम लोग अपनी कार्स खरीद सकते हैं। तो मैं जाता हूँ जरा एक कार निसान GTR खरीदता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे मेरे पास एक निसान GTR है और बहुत सारे कलर्स हैं। मैं सोच रहा हूँ कि यार हम लोग कार्बन ब्लैक कलर लेते हैं, क्योंकि ये फाइबर मैट है और ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और निसान GTR पे तो ये कलर बहुत ज़्यादा ही नेक्स्ट लेवल लगती है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं यही लेने की सोच रहा हूँ। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली हम लोगों ने अपने निसान GTR को खरीद लिया है, एंड भाई डैम गाड़ी है, और इसका ब्लैक कलर तो यार जो लग रहा है ना वो मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकता। एक बार इस गाड़ी को देखो भाई, सबसे फास्ट कार्स में से एक कार है निसान GTR, और भाई अगर ये कार ना हो तो फिर रेस का मतलब ही नहीं बनता ना। तो भाई क्या लग रही है, डैम यार मेरे को इसकी स्पीड भी देखनी है कि आखिर इसकी टॉप स्पीड कितनी है। तो एक बार छोटा सा वो कर लेते हैं, और बाकी मैं टाइम देख लेता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट रेस स्टार्ट होने में ना बहुत कम टाइम बचा है, तो टाइम क्या है अपने पास अभी। ओके गाइस, तो हम लोगों के रेस का फाइनल टाइम हो चुका है, अब मेरे को जाना पड़ेगा क्योंकि एना ने मार्क कर दिया है। एना कह रही है कि जल्दी टाइम पे पहुंचो वरना रेस जो है ना स्टार्ट हो जाएगी। तो निकलते हैं हम लोग जल्दी से अपनी रेस की तरफ, अपनी निसान GTR को लेके। यार लोगों का मेरे को देखना है लोगों का वो रिएक्शन क्या होने वाला है निसान GTR देख के, क्योंकि ये बहुत फास्ट कार है। और भाई ये अभी 200 पार कर गई भाई, यार क्या क्रेजी कार है यार, डेफिनेटली हम लोग इससे वो रेस जीतने वाले हैं। ओ ओ ओ, ओ, ओ वेट 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 वेट, ठुकना नहीं चाहिए भाई, बस ठुकना नहीं चाहिए, ठुकना नहीं चाहिए, ठुकना नहीं चाहिए। निसान GTR चलाना थोड़ा सा हार्ड है, बस थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। भाई एक बार निसान GTR के पॉप्स देखो, जो कैड लग रहे हैं यार। मुझे पता है आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को अपने निसान GTR बहुत पसंद आ रही होगी, तो बताना यार इस निसान GTR की और भी कुछ अपग्रेड्स के बारे में। मैं इस कार को मॉडिफाई करवाना चाहता हूँ ताकि और स्पीड में भाग सके। मेरे को पता है निसान GTR को इतना कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छी है यार, इतनी बेकार भी नहीं है बाकी कारों की तरह, चल जाएगी यहाँ पे। बट ये बहुत ज़्यादा गंदा एरिया आ गया यार, मेरी गाड़ी की हालत ना ख़राब हो जाए, कीचड़ वीचड़ का एरिया आ गया, मेरे को अपनी कार को दोबारा से धुलवानी पड़ेगी। अरे यार अभी तो नहीं ली थी, पर कोई बात नहीं, इस रेस के बाद इसको धुलवा देंगे। ओह शिट। ऑलराइट गाइस, तो अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं, जस्ट पहुंच ही गए अपने रेस इवेंट में जहां पे हमारी रेस स्टार्ट होने वाली है। मैं वैसे बहुत टाइम पे पहुंचने वाला हूं, अगर थोड़ी सी और लेट आ जाता ना तो भाई रेस स्टार्ट हो जाती, बट कोई बात नहीं, हम लोग पहुंच गए एंड अब हम लोग यहां पे रेस स्टार्ट करने वाले हैं अपनी। लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, तो अभी हम लोग का रेस स्टार्ट होने वाला है, लेकिन यार इस रेस में हम लोग निसान GTR से नहीं खेल सकते, क्योंकि ये रेस पहली रेस है और इसमें हम लोग अपनी ऑडी से ही खेलनी पड़ेगी। एंड नेक्स्ट रेस में हम लोग निसान GTR लेने वाले हैं, क्योंकि इस रेस में वो सबसे फास्टेस्ट कार है और वो अलाउड नहीं है। ये देखो यहाँ पे लोग अपनी पहली नॉर्मल कार लाए हैं,
मेरे को बहुत बुरा लगा, मेरे को लगा इसके लिए सबसे बेस्ट कार रहेगी इस रेस के लिए निसान GTR, लेकिन मेरे साथ धोखा हो गया। कोई बात नहीं, हमारी ऑडी भी बहुत तेज़ भागती है, चिंता मत करो, हार रहे हम लोग। भाई यार इन लोगों के पास जो कार है ना वो फुल मॉडिफाइड कार है, इसलिए बहुत तेज़ भागा रहे हैं। मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, मैं हराने तो वाला हूँ इनको। मेरी कार भी कोई नॉर्मल कार नहीं है। एक सेकेंड, मेरे को ठुकना बंद करना पड़ेगा तभी मैं इनको हरा पाऊँगा। और राइट गाइस, तो अभी मैं सेकंड रैंक पे आ चुका हूँ, अभी मेरे को फर्स्ट पे आना है, इस वाले को हराना है। ओ भाई ये कैसे जानबूझ के भिड़ा रहा है, इसकी ऐसी की तैसी। और राइट गाइस, अभी मैं फर्स्ट पे आ चुका हूँ एंड अब मेरे को ना ये मेंटेन करके चलना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को ये मैच जीतना है, फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड, तभी हम लोग नेक्स्ट रेस में जा पाएंगे। अभी 57% कम्प्लीट हुआ है। मेरी ऑडी की स्पीड बहुत अच्छी है, लेकिन ये पिकअप बहुत देरी में पकड़ता है यार। और अभी अगर मैं गलती से भी कहीं पे भिड़ गया ना तो अपनी स्पीड कम होने वाली है। ओके, बड़ी मुश्किल से संभाला मैंने अपनी कार को। वो लोग पीछे से आ रहे हैं भाई फुल स्पीड में, मेरे को डर लग रहा है, कसम से बता रहा हूँ। अगर वो लोग में से कोई भी एंड टाइम पे टेक ऑफ कर देता है ना मेरे को, भाई मैं तो हार जाऊँगा यार। मेरे को एटलीस्ट थर्ड तो आना ही है, पर मैं फर्स्ट आने वाला हूँ, तो मैं थर्ड की बात क्यों कर रहा हूँ। शेट, अभी मैं उन लोगों से बहुत आगे हूँ, आराम से जीतेंगे अब तो, कोई टेंशन नहीं है। ऑलराइट, हमारी ये रेस ख़त्म होने वाली है गाइस। 88% हम लोगों ने निपटा दिया है, 90% रेस ख़त्म हो चुकी है। ओके, ओ शे, ओ ओ ना 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 ना। ओके, क्या हम लोग ये रेस जीत गए, क्या मैं फर्स्ट आ गया, वो लेट्स गो। भाई हम लोग इस रेस में फर्स्ट आ चुके हैं, लेट्स गो। मतलब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट रेस की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। ऑडी से जीती है भाई आखिर ये रेस। Let's go. All right guys, तो अभी ना मेरे को जस्ट एना का मैसेज आया एंड एना ने मुझे बोला है कि एक स्ट्रीट रेस होने वाली है, एक्चुअली स्ट्रीट नहीं थी, एक फेस्टिवल रेस होने वाली है, जिसमें मेरे को ना एना ने ये वाली पगानी दी है, जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट कार है। अब एना ने मुझे बोला है कि इसको लेके उस रेस पे पहुँचो एंड वहाँ पे उस रेस को जीतना भी है। तो एना अपनी बहुत अच्छी दोस्त है, बहुत महंगी कार दे दी, एक्चुअली एना की कार है, मेरी नहीं है, तो डेफिनेटली मेरे को इसको आराम से चलाना पड़ेगा, वरना वो मेरी गुद्दी तोड़ देगी। अभी हम लोग इस कार, भाई यार इसकी स्पीड कितनी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल है। एंड आप लोग सोच रहे होंगे कि यार मैंने पिछले वाली रेस में GTR क्यों नहीं किया, क्योंकि पता नहीं क्या हुआ, उन लोगों ने मेरे को मना कर दिया, बोला कि GTR से ये रेस आपको नहीं करनी है, आप कोई और कार ले आओ जो कि दूसरी छोटी कार हो, कोई सी मतलब ज़्यादा फास्ट ना हो, क्योंकि आप लोगों को पता है यार निसान GTR बहुत ज़्यादा फास्ट कार है, अगर वो लेके मैं खेलने गया तो बाकी लोग मेरे नज़र भी नहीं आएंगे वो लोग। तो इसलिए उन्होंने मेरे को मना कर दिया निसान GTR से रेस करने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, ये वाली गाड़ी भी है हमारी ऑडी जो है, हमारी ऑडी भी कोई कम नहीं है भाई, हमारी ऑडी भी बहुत फास्ट कार है, उससे ही हम लोग फर्स्ट पे आए हैं। ओह इसकी ऐसी की तैसी। ऑलराइट गाइस, तो अभी हम लोग अपने फेस्टिवल में आ चुके हैं एंड भाई यहाँ पे क्राउड देख के आप लोग हमेशा की तरह क्रेजी हो जाओ, क्योंकि अभी हम लोग एक नई रेस की प्लानिंग करने वाले हैं, नई रेस खेलने वाले हैं, बहुत मज़ा आएगा यार इस रेस में भी, लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, तो अभी हम लोग की फाइनल रेस, सेकंड रेस स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हम लोग अपनी निसान GTR को लेके खेलने वाले हैं। ऑलराइट गाइस, हम लोग की निसान GTR आ चुके हैं इस रेस में, और जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है सामने बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट कार्स हैं, और भाई बारिश भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, और इनको हराना है, मैं 8वें नंबर पर हूँ, कैसे भी फर्स्ट आना है। ऑलराइट गाइस, यहाँ पे भाई इन लोगों की स्पीड एक बार देखो, और भाई मेरी गाड़ी यहाँ पे ठुक चुकी है, पर मैं फोर्थ। ओ भाई लैम्बोर्गिनी मेरे से आगे निकल गई, वो बहुत फास्ट कार है भाई, मैं हारने वाला हूँ ये रेस बहुत गंदी तरीके से, बट मैं, मेरी निसान GTR भी किसी से कम नहीं है। अबे लैम्बोर्गिनी वाले हटना। ऑलराइट गाइस, मैं अभी फोर्थ पे हूँ, कैसे भी करके मेरे को ये रेस जीतनी है, पता नहीं। और अभी मैं यार सेकंड पे आ चुका हूँ, लेट्स गो गाइस। ओ भाई यार मैं थर्ड पे आ चुका हूँ, यार ऐसे तैसी हो गई, कोई बात नहीं, हम लोग इस रेस को दोबारा से जीत सकते हैं, थर्ड भी कोई बुरी चीज़ नहीं है भाई, यार इतनी ज़्यादा फास्टेस्ट कार। ओ लेट, ओके ओके गाइस, अभी मैं फर्स्ट पे आ चुका हूँ, मेरे को ये वाली पोजीशन मेंटेन रखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं अगर पीछे गया ना तो मैं फिर आगे नहीं आ पाऊँगा,
बड़ी मुश्किल से इनको, भाई यार मेरी गाड़ी बहुत स्लिप कर रही है, आई डोंट नो व्हाई, शिट, मैं नहीं यार, नहीं यार, नहीं, लंबोगनी वाले तू पीछे रह, इसको हराना पड़ेगा, शिट ब्रो हम लोग हार सकते हैं, भाई टर्न नहीं हो रही भाई, ओके 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 ओहो, ये फरारी वाला बंदा, ये फरारी वाला बंदा बहुत ज्यादा खतरनाक ड्राइविंग कर रहा है। ओ भाई मैं फंस गया यहाँ पे। ओके ऑलराइट, व्हाट द हेक गाइस, मैं यार थर्ड आ गया, लेकिन चलो यार मैं फाइनल्स में तो पहुंच चुका हूँ, लेकिन एक चीज सोचने वाली है, क्योंकि जो फर्स्ट आया ना उसके पास भी निसान GTR है भाई, मेरे से चलने को नहीं हो रही, अगर मेरे से निसान GTR चल जाती ना तो हम लोग भी फर्स्ट आ सकते थे यार, पर कोई बात नहीं, सेकंड फरारी आ गई, कोई बात नहीं, मैं थर्ड तो आ गया ना। ऑलराइट शिट यार, वैसे उस बंदे की निसान GTR बहुत ज़्यादा क्रेजी लग रही है यार, मेरे को उससे थोड़ी सी जलन हो रही है यार, कोई बात नहीं, फाइनल्स में मिलेंगे दोस्त, बताता हूँ तेरे को फाइनल में। चलो एक चीज़ अच्छी है कि मैंने ऐना की बात सुन ली, अगर मैंने ऐना की बात सुन के निसान GTR नहीं लिया होता, मतलब उसके बाद ना सुन के निसान GTR नहीं लिया होता, तो मे बी मैं थर्ड, मैं तो 12 आता भाई, 12 नंबर, ये बंदा कौन है भाई, मेरे से आगे निकलेगा है। कोई बात नहीं, हम लोग फाइनल्स में तो पहुंच चुके हैं, अब फाइनल में मेरे को जीतना होगा, कैसे भी करके फर्स्ट आना है, जो कि बहुत हार्ड होने वाला है। पर एक चीज़ है यार, मैं निसान GTR से फाइनल्स कैसे जीतूंगा, क्योंकि फाइनल और भी ज़्यादा हार्ड होने वाला है, मेरे को ना कोई नई कार लेनी होगी जो सबसे ज़्यादा फास्ट हो, तो आप लोग कमेंट में बताना कि सबसे ज़्यादा फास्ट कार कौन सी है, एंड हम लोग वो वाली कार लेने वाले हैं, मुझे पता है कौन सी कार है, लेकिन मैं आप लोगों को सुनना चाहता हूँ आखिर और कौन कौन सी कार है जो मुझे लेनी चाहिए, तो बताना ज़रूर, उसके लिए हमें पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे, अभी फाइनल मैच, फाइनल रेस को अभी टाइम है, तो हम लोग तब तक सुपर कार तो खरीद ही लेंगे ना। ऑलराइट गाइस, मुझे ऐसा लगता है आज के लिए तक काफ़ी होगा, अगर आप लोगों को आज का एपिसोड पसंद आया है तो डेफिनेटली यार वीडियो को लाइक कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यार क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब कर दो, बिल्कुल फ्री है, एंड बस उस बटन को दबाना है, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में, कमेंट करना मत भूलना, गुड बाय।